बड़े बड़े पत्थरों को पिघलते हुए देखा। सर सर नहीं नहीं नहीं, पूरा कूल सा एटीट्यूड दिखा के, है ना सर, व्हाई वरिंग अबाउट मी, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। गलतियों और डिजास्टर में फर्क होता है। किसी को अलग सर की बात समझ आ जाए, राजवंत सर की बात समझ आ जाए, सचिन सर की बात समझ आ जाए, पंकज सर की बात समझ आ जाए, हो गई गलती। सर मान लिया हो गई गलती, अब बताओ कहां। कल एक बच्चे ने ना मुझे मैसेज किया, पता क्या था, कुछ इस तरह से था, एग्जैक्टली तो याद नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, कुछ ऐसे मैसेज किया, सर अगर मैं दिन के 25 घंटा पढ़ना शुरू कर दूँ, 25 लिखा था उसने, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो मैंने भी लिख दिया, मैं कहा नहीं होगा। कह रहा क्यों, मैं कहा दिन में 35 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कह रहा सर मजाक कर रहे हो, सर दिन में 35 घंटे होते ही नहीं, ठीक है मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ। मैंने कहा शुरू किसने किया, है ना, तो वही हालत है। ठीक है, हमने बहुत बड़े बड़े, और मैं सीरियसली बात बोल रहा हूँ, अब सीरियस हूँ, ठीक है, पहले तो चलो मजाक में बच्चे ने बोला था, हमने भी मजाक में जवाब दे दिया, कोई बात नहीं, बट अब मैं सीरियस हूँ। ठीक है, हमने बहुत बड़े बड़े पत्थरों को, है ना, बड़े बड़े पत्थरों को पिघलते हुए देखा। सर पत्थर को पिघलते हुए देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बड़े बड़े पत्थरों को पिघलते हुए देखा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी मैं टेंशन लेता था एज ए टीचर। मैं कह रहा हूँ बिठा के ना, 11th में बिठा के, अरे यार पढ़ ले यार, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर, देख तेरे बैच में ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा, मोटिवेट कर रहा हूँ उसे, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, और प्यार से बोल रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है यार पढ़ ले यार, पढ़ ले यार, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर यार, ठीक है, कोई कोई टॉपिक समझ आए मुझे बता, ये हो प्रॉब्लम ये वो, मतलब कि सब मुझे बता, बट तू पढ़ ले। क्यों, उसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि घर के हालात बहुत खराब होंगे, कई बार पेरेंट्स आते हैं ना, बोलते हैं कि बच्चे को मोटिवेट कर दो, तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसी कारण बैठाया, बड़ा समझाया। नहीं सर नहीं, अरे सर क्यों टेंशन ले रहे हो, सर मैं कर लूंगा, अरे सर नहीं, पूरा कूल सा एटीट्यूड दिखा के, है ना सर, व्हाई वरिंग अबाउट मी, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। ठीक है भाई, आप एज ए टीचर क्या कर सकते हो, आप एज ए टीचर समझा सकते हो, आप पर्सनल टच दे सकते हो उसको, ठीक है, थोड़ा मतलब कि अगर डीमोटिवेटिंग फील कर रहा है आप उसे मोटिवेट कर सकते हो, बट आप उसकी जगह पढ़ नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली। अगर मेरे हाथ में पढ़ना होता मैं पढ़ भी लेता उसकी जगह पर, बट वो है नहीं मेरे हाथ में। ठीक, तो भाई बीत गया, 11th बीत गई, 12th में आते, हाँ सर अब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छी बात है। देखा फिर वही, 12th का एक महीना बीता, फिर वही जो 11th के हालात थे वैसे बिल्कुल हालात हो गए। फिर आपने एक दो बार मोटिवेट किया, कुछ नहीं हुआ। कसम खा के बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही जनवरी फरवरी आता है, 12th का जनवरी फरवरी, है ना, कहानी ऐसे 180 डिग्री टर्न ले जाती है, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ले जाती है। ठीक है, फिर आके, और ऐसा एक केस नहीं है, देखो एक तो गलती किसी से हो सकती है यार, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ऐसे सैकड़ों हजारों केस बता रहा हूँ जो आके कहते हैं 11th 12th में, सर हो गई गलती, सर मान लिया हो गई गलती, अब बताओ करना क्या, अब बताओ 12th में पास कैसे होना है, अब बताओ जेई मेन में कुछ हो सकता है क्या, अब बताओ जेई एडवांस में कुछ हो सकता है क्या, अब बताओ एज ए टीचर आप क्या करोगे। आप 2 साल से एक बात बोल रहे हो, 2 साल से, अब बताओ क्या करना है। एंड लिटरली आपको पेन तो होता है इस बात का, बट आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, एज ए टीचर कुछ नहीं कर सकते यार आप, है ना। बहुतों को देखा, बहुतों को, तो आप वो गलती मत करिएगा। गलतियों और डिजास्टर में फर्क होता है। टीचर कोई बड़ा समझा रहा है, टीचर कहने वाला मैं ही नहीं, कोई और टीचर भी हो सकता है यार, ठीक है, मैं ही थोड़ा अच्छा हूँ दुनिया में, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार। किसी को अलग सर की बात समझ आ जाए, राजवंत सर की बात समझ आ जाए, सचिन सर की बात समझ आ जाए, पंकज सर की बात समझ आ जाए, आपके स्कूल के किसी टीचर की बात समझ आ जाए, आपके मदर फादर मतलब कि भाई बहन, कोई बड़े भैया बहन कजन वगैरह, किसी की भी बात समझ आ जाए कि पढ़ लो, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो हम तो इतने में खुश हैं भाई। सर फिर उस बच्चे का क्या हुआ, अब ये नहीं बताएंगे ना, आपको डीमोटिवेट करना थोड़ा काम है यार मेरा, ठीक है, मेरा काम तो है कि आगे जाके कुछ ऐसा होगा, मैं जानता हूं, है ना, एक वो आप गाड़ी चलाते हैं तो आगे लिखा होता है ना कि आगे स्पीड ब्रेकर है, है ना, या आगे गड्ढा है, या आगे काम चल रहा है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, तो मेरा काम है बताना कि आगे ऐसा होगा। अब उस बात को सुनना ना सुनना ड्राइवर आप है, मैं ड्राइवर नहीं हूं, ठीक है,